साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये फंक्शन है एफ एक्स। तो यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आपको फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो बताइए भाई रेंज क्या आएगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जरा समझिए कि यहाँ पे रेंज कैसे निकालें, ठीक है। साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे साइन वर्स एक्स भी है, कॉस इनवर्स एक्स भी है। तो पहले तो मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो करना कोशिश करूंगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स होगा ये। लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू। ये तो हो गया पाई स्क्वायर बाय फोर माइनस टू, ये साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हुआ। देखो पूरा फंक्शन किसका बन गया, साइन वर्स एक्स का, ठीक है। तो अब देखो कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो आपका टू, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी बोल दूं तो टू टी स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर, ये एक्सप्रेशन बन जाता है। अब ये एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। तो क्वाड्रेटिक ध्यान देना, इसका ग्राफ पैराबोलिक नहीं बनेगा, ये जो टी में क्वाड्रेटिक है उसका पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है एक्स, लेकिन यहाँ वेरिएबल कौन दिया है टी, तो टी में पैराबोलिक बनेगा। तो टी का पैराबोलिक ग्राफ ऐसे पैराबोलिक अपवर्ड्स बनेगा क्योंकि ए पॉजिटिव है। वर्टेक्स कहाँ आएगा, वर्टेक्स विल बी एट माइनस बी बाय टू ए, माइनस बी बाय टू ए यहाँ पे आ रहा है पाई बाय फोर पे, ठीक है। अच्छा ध्यान देना कि टी क्योंकि साइन वर्स एक्स है तो t का जो रेंज होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, t का रेंज माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू के बीच में होगा। मतलब एक तरह से मुझे इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है, जहां पे आर्ग्यूमेंट जो है वो सिर्फ एक आपके क्लोज इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज जो होता था वो माइनस डी बाय फोर ए से इन्फिनिटी होता था, या फिर माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय फोर ए होता था, लेकिन कब, where x can be or the variable can be any real number। लेकिन अगर मैं restricted domain में बात करूं तो हमें parabola का जो भी parabola बनता है उसका उतना ही part देखना है जो इस interval में आता है। अब इस interval में आता है तो जरा देखो कि ये pi by 2 इसके पास में आएगा, ये pi by 2 और minus pi by 2 जरा दूर आएगा, तो least value कहाँ मिलेगी, pi by 4 पे, और highest value कहाँ मिलेगी, minus pi by 2 पे, ठीक है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज आएगा, इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो आपको यहां से लेके यहां के बीच में आएगा। तो देखो अगर यहां पे साइन इनवर्स एक्स पाई बाय फोर होगा तो साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय टू होता तो ये भी पाई बाय फोर होगा। तो इस कारण से एफ एफ की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन वर्स एक्स पाई बाय फोर तो ये भी पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन, इसका भी पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन, तो पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन प्लस पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन, या फिर आप यहाँ पे भी टी की वैल्यू पाई बाय फोर रख सकते हो, ठीक है। आप अगर इसको मैं एफ ऑफ टी बोलूं तो एफ ऑफ पाई बाय फोर विल बी द मिनिमम वैल्यू, तो वो भी आपका पाई स्क्वायर बाय एट आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टू इंटू पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर, तो ये दोनों कैंसिल, अगेन देखो पाई स्क्वायर बाय एट ही आ रहा है। मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पाई स्क्वायर बाय एट आएगी, और मैक्सिमम कब आएगा, जब माइनस पाई बाय टू, ठीक है। तो साइन वर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय टू, तो साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई होता है,
पाई बाई टू होता है, तो इसका अर्थ कॉस इनवर्स एक्स पाई होगा। इस कारण से एफ मैक्स क्या होगा, जब साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स उस टाइम पे क्या होगा, पाई का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय फोर और ये हो गया पाई स्क्वायर। तो सम कितना हो गया, इसका सम जो हुआ वो हुआ कितना, दैट विल गिव यू व्हाट, फाइव पाई स्क्वायर बाय फोर। इस कारण से इस फंक्शन का रेंज जो होगा वो पाई स्क्वायर बाय एट से लेके फाइव पाई स्क्वायर बाय फोर के बीच में होगा। समझ में आया सबको ये सर? किसी को यहाँ पे तक अगर कोई डाउट हो, कोई चीज पूछना चाहता हो तो पूछे। सर एनीवन डाउट्स? सर एफ मैक्स वाला पार्ट एक बार समझाओ। ओके, एफ मैक्स वाले पार्ट में समझो कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, ये वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये पाई बाय जो आपके वर्टेक्स से जितना दूर होगा वहां पे वैल्यू ज्यादा आएगी। द हाईएस्ट वैल्यू विल बी अटेंड एट दिस, मतलब वो पॉइंट जहां पे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस पाई बाय टू। लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू। तो अगर ये माइनस पाई बाय टू रखो दे तो कॉस इनवर्स एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, पाई। तो जब साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू और कॉस इनवर्स एक्स पाई होगा तब इस फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट होगी। समझे? हाँ सर। किसी को कुछ और डाउट यहाँ पे? इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और भी दे सकते हैं, ये आपके होमवर्क के लिए ट्राई करेगा। थोड़ा कैलकुलेशन रिलेटिवली इससे ज्यादा है लेकिन लगभग बात वही है। ठीक है, एफ एक्स जो है वो है आपका साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब। वहां पर रुड़की में आया हुआ सवाल है ये, कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसका रेंज निकालना है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका रेंज निकालना है। तो इन दोनों का रेंज आपको निकालना है। अच्छा, कल जो क्वेश्चन दिए तो होमवर्क के लिए वो सबसे हो गए? हाँ सर। किसी ने ग्रुप पे बताया नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ? सर हुए। ठीक है, तो होमवर्क होने के बाद सबको बताना है कि मतलब होमवर्क हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, हाँ सर। चलो, तो ये दो क्वेश्चन नोट करके रखो, ये आप लोगों को घर पे ट्राई करना है सेम लॉजिक पे। ठीक है, बस यहाँ वहां पे यूज करा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ के यूज करना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। और इस केस में ए प्लस बी कितना है, पाई बाई टू। तो देख रहे हो कि अगेन वो आपका इसी तरह का एक्सप्रेशन बनेगा जो पहले बन रहा था। ठीक है, तो ये और ये वाला तो अभी हमने इसी तरह करा था, बस साइन ऑफ कॉस था, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, और भी क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे इसमें मैं लेते हैं। अब दो चीजें जो है कि अगला फॉर्मूला जो आता है जो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फॉर्मूला दैट टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। अब देखिए, आपको बुक्स में फॉर्मूले मिलेंगे साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, कॉस इनवर्स प्लस प्लस कॉस इनवर्स वाई, लेकिन हमें उन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें किसी क्वेश्चन में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वो जितना लिखा हुआ फॉर्मूला उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई एक ये फॉर्मूला है। हाँ, अगर कभी आपको साइन वर्स एक्स प्लस कॉस कुछ भी दिया जाए उसे टेन वर्स में चेंज कर दो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन वहां पे बात करेंगे। तो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ध्यान दो, इसमें भी हम क्या करें, रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। क्या रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, ये फॉर्मूला हम तब निकालेंगे व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन जीरो। हम एक्स और वाई को क्या रखेंगे, ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखिएगा, इससे आपका काम आधा हो जाएगा, जो बुक्स में दे रखा उससे फॉर्मूले आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से बहुत ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूले हम निकाल रहे हैं that is finding, we are finding those formulas under the condition that x and y both are greater than zero. ठीक है, तो इस कारण से देखिए
tanverse x plus tanverse y क्या आएगा? So let's say this is an angle A and this is an angle B. So by this we already know that A and B both has to lie between minus pi by 2 to plus pi by 2. Yes or no? अब देखिए यहाँ पे अगर ये हुआ तो tanverse x अगर A है तो x क्या आएगा tan A और y क्या आएगा tan of B आएगा ये ठीक है x आएगा tan of A और y आएगा tan of B. तो यहाँ पे देखिए क्योंकि A और B ठीक है x हमने कैसा लिया x और y कैसा लिया हम लोगों ने पॉजिटिव x और y पॉजिटिव लिया है इस कारण से tan of A और tan of B क्या आने चाहिए पॉजिटिव आने चाहिए लेकिन A और B कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं व्हाट आर द क्वाड्रेंट्स हियर क्वाड्रेंट्स आर फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है तो अगर अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो tan नेगेटिव आएगा ना लेकिन x और y क्या आ रहे हैं पॉजिटिव इसका मतलब ये शो करता है कि अगर x और y पॉजिटिव है तो आपका A और B दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे जीरो से लेके कहां तक पाई बाय टू के बीच में लाई करेंगे ठीक है ए एंड बी बोथ विल लाई बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू ठीक है ये क्यों होगा वैसे तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लाई करेंगे लेकिन ये क्यों होगा क्योंकि हम लोगों ने ये माना है ठीक है इस कारण से हमारा इंटरवल ही हो जाता है इससे क्या होता है हमारा काम आसान होगा कैसे होगा वो देखते हैं ठीक है ओके तो एक्स आपके पास टेन ए है वाई आपको टेन बी है ठीक है अब आपको पता है व्हाट इज टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ऑफ ए प्लस बी होता है आपका टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी होल डिवाइड बाय वन माइनस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी लेकिन देखो अभी हमने लिखा टेन ऑफ ए कितना है एक्स टेन ऑफ बी कितना है वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये आपका क्या हुआ टेन ऑफ ए प्लस बी लेकिन ध्यान दो हम लोगों को क्या करना है हमको निकालना है ए प्लस बी तो ये टेन हटना चाहिए तो इसके लिए दोनों तरफ क्या लेना होगा टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी दैट विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई ठीक है ये होगा अच्छा लेकिन टेन वर्स और टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा ये डिपेंड करेगा ए प्लस बी का रेंज क्या है ठीक है अब ए प्लस बी का रेंज क्या है देखो ए का रेंज क्या है जीरो से लेके पाई बाय टू बी का रेंज क्या है जीरो से लेके पाई बाय टू तो ए प्लस बी का रेंज क्या होगा जीरो से लेके पाई ठीक है तो a प्लस बी का रेंज जीरो से पाई हुआ तो मतलब ये जीरो से पाई तो लेकिन टेन वर्स और टेन एक्स जीरो से पाई में अगर हम उसका ग्राफ बनाए टेन वर्स टेन एक्स का ये तो हुआ जीरो और ये हुआ पाई तो ऑब्जर्व करो कि ये डेफिनेशन दो बार चेंज होती है एक बार चेंज होती है जीरो से पाई बाय टू के लिए लाइन क्या थी वाई इक्वल्स टू एक्स और पाई बाय टू से लेके पाई के लिए लाइन क्या थी एक्स माइनस पाई ठीक है इस कारण से ये एक्सप्रेशन जो है ध्यान देना कि दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ठीक है ए प्लस बी ये एक्सप्रेशन हो जाएगा टेन वर्स और टेन ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी लेकिन कब होगा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई ये हो जाएगा लेकिन ये कब होगा जब ए प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ए प्लस बी लाइज इन जीरो टू पाई बाय टू ठीक है इसके बाद अगर हम लोग दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए प्लस बी माइनस पाई आ जाएगा ए प्लस बी माइनस पाई कब आएगा जब ए प्लस बी कौन से ए प्लस बी कहां से कहां तक लाई करे पाई बाय टू से पाई होगा ये तो ये किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा तो इसका मतलब लेकिन देखो इसमें अब और सिंपली क्योंकि ये रिजल्ट आया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ए और बी हमने अपने माने थे वेरिएबल कौन था एक्स और वाई तो कंडीशन हमें लानी है एक्स और वाई में ठीक है तो जरा देखो अब टेन ऑफ ए प्लस बी इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा किस पे
we have to come at this point. यहां पे ऑब्जर्व करो कि यदि x और y तो पॉजिटिव ही थे, अगर a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan ऑफ a प्लस बी पॉजिटिव आना चाहिए. ये पॉजिटिव कब आएगा, मैं हाईलाइटर दिख नहीं रहा तो हाईलाइटर यूज करता हूं. देख लो tan ऑफ a प्लस बी, ठीक है, ये पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. अगर a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan ऑफ a प्लस बी पॉजिटिव, मतलब ये रेशियो पॉजिटिव. x और y ऑलरेडी हमने पॉजिटिव लिए तो x प्लस y कैसा होगा, पॉजिटिव. तो 1 माइनस एक्स वाई भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x इनटू y इज लेस देन 1. देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये वाली कंडीशन tan वर्सेस tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी कब होता है, जब a और b किस में लाई करे, 0 से पाई बाय 2. और ये कब लाई करे, जब कब होगा, जब x इनटू y लेस देन 1 होगा, ठीक है. अब यही चीज अगर एक्स वाई वन से बड़ा हो जाएगा तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, तो टेन ऑफ ए प्लस बी नेगेटिव होगा. और टेन ऑफ ए प्लस बी नेगेटिव कब होगा, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. तो इस कारण से ये कंडीशन तब बनेगी जब एक्स वाई ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है. तो इस कारण से ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई If x y is less than one, ठीक है. और यहां से क्या हो जाएगा, tan inverse of x plus tan inverse of y, pi को उधर ले गए तो pi plus tan inverse of x plus y over one minus x y ये आ जाएगा. लेकिन कब, जब x y is greater than one. समझ में आया? तो हमारा जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है. रिजल्ट सिंपल सही आता है कि हमें x और y को क्या रखना है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है. तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर वन माइनस एक्स वाई, ठीक है. लेकिन कब, जब एक्स वाई इज लेस देन वन, एंड दिस विल बी पाई प्लस pi plus tan inverse of x plus y over 1 minus xy, xy is greater than 1. ये दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं, ठीक है. ये दो फॉर्मूले से हमारा पूरा काम चल जाएगा, ठीक है. अब इसे याद कैसे, कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए ध्यान से सुनना कि देखो इसकी सिंपल सी बात ऐसी आती है कि सबसे ज्यादा वन नंबर की मूवी किसने करी, गोविंदा ने. तो हमारा हीरो नंबर वन यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा हीरो नंबर वन, हमारे दुश्मन एक्स वाई से स्ट्रांग है. तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल फॉर्मूले से काम चल जाएगा, ठीक है. लेकिन जैसे ही हमारा हीरो नंबर वन एक्स वाई से कमजोर हुआ तो उसका तो जितनी भी गोविंदा की मूवी थी साथ में, उसके साथ कौन था, श्रद्धा कपूर. ये शक्ति कपूर इंटरनेशनल क्वांटिटी पाई यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, मदद देना पड़ेगा, ठीक है. तो वन अगर एक्स वाई से बड़ा है तो कुछ नहीं, अगर वन एक्स वाई से छोटा है तो पाई ऐड करना पड़ेगा, इंटरनेशनल क्वांटिटी शक्ति कपूर, ठीक है. ये फॉर्मूला आपके पास इस तरह से आ जाता है. जैसे अगर तुमसे बोलूं कि टेन इनवर्स ऑफ टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ थ्री ये निकालना है. अब टेन वर्स टू प्लस टेन वर्स थ्री की वैल्यू क्या होगी, देखो एक्स ये है वाई ये है, तो x इंटू वाई आ रहा है 6 जो 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3 दैट विल बी पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस 5 ये हो गया माइनस 1 तो ये हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 1. 10 की वैल्यू 1 कब आती है, पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 आंसर हो जाएगा कितना, 3 पाई बाय 4, ठीक है. तो 10 वर्स 2 प्लस 10 वर्स 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, क्लियर है. तो एक टाइप का क्वेश्चन है जैसे सिंपलीफिकेशन की, ये कांस्टेंट दे रखे होते हैं, इनको सिंपलीफाई करके हमें निकालना होता है, ठीक है. अब इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले कि 10 इनवर्स ऑफ 1/2
प्लस टेन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री। अब यहाँ पे x ये है, y ये है, तो x इंटू वाई लेस देन वन है, तो सिंपल फॉर्मूला आएगा, तो टेन वर्स ऑफ वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री ओवर वन माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री। ठीक है, तो ये आपका बनता है टेन इनवर्स ऑफ फाइव बाई सिक्स अपॉन थ्री टू जस्ट सिक्स, सिक्स माइनस वन हो जाएगा, ये भी फाइव बाई सिक्स, कितना हो गया वन। ये हुआ आपका टेन इनवर्स ऑफ वन, और टेन वर्स ऑफ वन कितना पाई बाय फोर, मतलब टेन वर्स ऑफ वन बाई टू प्लस टेन वर्स वन बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाय फोर। देख लो यहाँ पाई बाय फोर आया, यहाँ कितना आया टोटल थ्री पाई बाय फोर। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स, अब बोलोगे ऐसा करना नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, भाई हमें पता है कि टेन वर्स ऑफ माइनस एक्स इज वॉट टेन वर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो टेन वर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वर्स एक्स। ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाते क्योंकि टेन वर्स कैसा फंक्शन है, ऑड है। तो अगर मान लो वाई नेगेटिव हो गया तो टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई बन जाएगा, लेकिन टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला भी हम निकालेंगे अलग। ठीक है, अगर मैं ये नहीं करता एक्स और वाई को पॉजिटिव नहीं बनाता तो ये तीन फॉर्मूले बनते हैं, तीन की जगह कितने बने दो, 33% काम यहाँ कम हो गया। ठीक है, बात समझ में आई सबको ये? हाँ सर। इस प्रूफ में किसी को कहीं कोई डाउट है? हाँ सर। बोलो सर, वो a प्लस बी माइनस पाई वो कैसे आया? a प्लस बी माइनस पाई कैसे आया बेटा, देख रहे हो पाई बाई टू से लेके पाई के लिए टेन इनवर्स और टेन एक्स का ग्राफ क्या बन रहा है? हाँ सर। उसमें लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है? सर y इज इक्वल टू x, y इक्वल टू x माइनस पाई। हाँ माइनस पाई है ना, तो इसका टेन ऑफ ए प्लस बी विल बी ए प्लस बी, जो यहाँ काम x कर रहा है वो यहाँ कौन कर रहा है? ए प्लस बी। ठीक है सर। हाँ भाई, किसी का कोई और डाउट? एनीवन विद एनीथिंग एल्स? चलो, तो देखो ये आपका फॉर्मुलेशन हुआ। ठीक है, चलो अब देखो, अब और क्वेश्चन इसमें कैसे बनेंगे, और क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि भाई लेट्स से मैंने आपसे बोला कि साइन इनवर्स ऑफ थ्री बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स ऑफ फाइव बाय थर्टीन ये निकालना है, तो फिर हम अब इसमें लोगों लगे सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स का फॉर्मूला निकालो, क्यों निकालो, साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ थ्री बाय फोर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ फाइव बाय थर्टीन को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ ट्वेल्व बाय फाइव। तो कौन सा फॉर्म हो गया, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई एक्स इंटू वाई कितना आ रहा है, नाइन बाय फाइव जो वन से बड़ा है, तो पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है, पाई प्लस टेन वर्स ऑफ थ्री बाय फोर प्लस ट्वेल्व बाय फाइव अपॉन वन माइनस थ्री बाय फोर इंटू ट्वेल्व बाय फाइव। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ ये कितना जगह थ्री फाइव जब मैं फिफ्टीन, फिफ्टीन ऑफ फोर्टी एट, फिफ्टीन ऑफ फोर्टी एट कितना हो गया सिक्सटी थ्री, सिक्सटी थ्री अपॉन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी सिक्स तो माइनस सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ सिक्सटी थ्री बाय सिक्सटीन। ठीक है, समझ में सबको ये पक्का? तो अगर कभी इसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाला मिले तो इस तरह से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कई लोगों को जब बुक्स वगैरह हम देखेंगे तो कंफ्यूजन कहाँ आता है, कंफ्यूजन ये आता है कि मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन ये आपको पाई बाय फोर दे रखा है, फाइंड एक्स। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर इक्वेशन सॉल्विंग, ये इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्विंग कैसे करी जाए, तो ध्यान दो। अब इसमें आप बोलो सर अगर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं तो दिस इनटू दिस वन से बड़ा है कि वन से छोटा है पता नहीं चलेगा? हाँ बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन हम वो यूज ही नहीं करेंगे।
हम यूज ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम क्या करेंगे, देखो हमें एक्स सॉल्व करना है ना, एक्स सॉल्व करने के लिए, एक्स सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यहां से आगे से टेनवर्स हटाना है, एक्स में इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, टेनवर्स हटाने के लिए आगे टेन चाहिए, तो हम दोनों तरफ टेन ले लेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन आए तो दोनों तरफ टेन ले लो, साइन ले लो, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। ठीक है, टेनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन, तो टेन पाई बाय फोर क्या हो जाएगा, वन। तो अब देखो टेन ऑफ ए प्लस बी, तो टेन ऑफ ए प्लस बी होगा टेन ऑफ टेनवर्स एक्स, कितना हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और वन माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, दैट विल बी इक्वल टू वन। ये आपको देगा टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सबको एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वल जीरो। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, जीरो और माइनस थ्री। ठीक है, x वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो और माइनस थ्री, और कोई वैल्यू आई नहीं रही है। तो इसका मतलब x की दो वैल्यू। अब लेकिन ध्यान दो, बस क्या करना है हमें, एक बार चेक करना होगा x की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू माइनस थ्री। अब देखो माइनस थ्री पे क्या होगा, टेनवर्स माइनस थ्री, टेनवर्स ऑफ माइनस टू। अब टेनवर्स ऑफ माइनस थ्री और टेनवर्स ऑफ माइनस टू, ये दोनों ही निगेटिव एंगल आएंगे, तो दो नेगेटिव एंगल्स का सम पॉजिटिव नहीं हो सकता। इस कारण से इस आंसर को हमें निगेट करना होगा, जीरो, टेन इनवर्स जीरो प्लस टेन इनवर्स वन, तो टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर होता है, तो ये वाला आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, कौन, एक्स इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द ओनली रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन में जब आप ऐसे टेन ये लेते हो या साइन लेते हो या कॉस लेते हो, तो ध्यान देना कि जो भी आपका आंसर आए वो आंसर को आप एक बार रख के चेक कर लेना। ठीक है, ओके। शुभम को थर्ड स्टेप समझ में नहीं आई, थर्ड स्टेप मतलब ये वाली। तो बेटा देखो, इसको हमने क्या करा, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो टेन ऑफ ए प्लस बी है, टेन ऑफ ए प्लस बी है, मतलब टेन ए, टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस होगा। लेकिन अगर ये a है तो tan x क्या होगा, tan a y के, और x प्लस वन क्या होगा, tan b। तो इस कारण से tan a की जगह x और tan b की जगह x x प्लस वन, ये हम लोगों ने यहाँ रख दिया। और ये यहाँ पे क्या था, पाई बाय फोर, tan पाई बाय फोर कितना, वन, वो रख दिया, तो x में क्या बन गई, कॉर्डिक। ठीक है, और उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। समझ में आया शुभम सर? ओके, किसी का कोई और डाउट है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में? अभी और भी लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है कैसे करना है। सर, तो डाउट था। तो, हाँ बेटा बोलो। सर, इस एग्जांपल में हमने अज्यूम किया है ना कि x और x प्लस वन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के रेंज में होंगे। x और x प्लस वन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, x और x प्लस वन कुछ भी हो सकते हैं। सर, तो tan tan इनवर्स x x कैसे आया? tan inverse x x कैसे आया? देखो बेटा, tan of tan inverse x रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, tan of tan inverse x a होगा। आपको याद होगा tan of tan inverse x हमेशा x होता है, लेकिन tan inverse और tan x हमेशा x नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी नहीं, पहली वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जो हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, कि tan of tan inverse x is always x। हाँ, ठीक है। किसी का कुछ और डाउट, कुछ और पूछना चाहता है? हाँ भाई, एनीवन? सर, हाँ बेटा, आपने जो केस बोला कि x और y वुड बी लेस देन जीरो, x और y लेस देन जीरो वाला, हाँ, मैंने तो x और y बी लेस जीरो बोला था। नहीं नहीं, बाद में आपने बोला ना कि वो भी होगा। हाँ, वो केस अभी लेंगे, इसी कारण से अभी हम जितने क्वेश्चन ले रहे हैं बीच में प्लस आ रहा है। ठीक, क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई और डाउट, कुछ कोई पूछनी है तो पूछें। एक बार देख लो इसको, I will be just back, मतलब पानी लेके आता हूँ।
हाँ भाई क्लियर है सबको? किसी को आपको भी कुछ पूछना है? शैल वी मूव फॉरवर्ड? चैट सेटिंग्स अब मान लो अब आ गया क्या कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये निकालना। अगेन इस फॉर्मूले को भी हम लोग ये मान के निकालेंगे कि एक्स और वाई कैसे हैं, पॉजिटिव है ठीक है। एक्स और वाई अगर पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, अगेन इसको अगर मैं ए मानूंगा इसको बी मानूंगा तो ए और बी नेचुरली तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आना चाहिए था, लेकिन इस अजम्पशन के कारण से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, पिछले प्रूफ में करा था, यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों किस में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दे विल लाई बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू। समझ में आइए, ये हम एक्स और वाई को पॉजिटिव क्यों कर रहे हैं, जिससे कि ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए ठीक है। अब ए और बी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो देख रहे हो एक्स क्या होगा टेन ए और y क्या हुआ tan ऑफ b ठीक है। समझ रहे हो कि a अगर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता तो कैसा आता tan नेगेटिव, लेकिन x कैसा दिया है पॉजिटिव, मतलब a फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है, सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है फर्स्ट ठीक है, कब जब x पॉजिटिव है ठीक है। अच्छा अगर ये हो गया कि x की वैल्यू tan है और y की वैल्यू tan b, तो देखो व्हाट विल बी tan ऑफ a, व्हाट विल बी tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ a माइनस tan b, ये तो हमेशा ही होता है, वन प्लस tan a tan b हो गए। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या आता है कि मैं दोनों तरफ tan इनवर्स लेता हूं तो tan वर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस b, तो ये tan a क्या था x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई, और आगे क्या लग जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि हमने दोनों तरफ tan वर्स ले ली, ये एक्सप्रेशन आपका x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई था, तो दोनों तरफ tan वर्स लिया तो ये आ गया ठीक है। अब tan वर्स और tan ऑफ a माइनस b क्या सिंप्लीफाई होगा, वो डिपेंड करेगा a माइनस b का रेंज क्या है, a का रेंज जीरो से लेके पाई बाय टू है, b का रेंज भी जीरो से लेके पाई बाय टू है, तो माइनस b का रेंज माइनस पाई बाय टू से जीरो होगा, तो a माइनस b दो इसको और इसको ऐड कर दो तो a माइनस b का रेंज माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू होगा, और माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू अगर इंटरवल है तो टेन वर्स और टेन एक्स क्या होता है x, इस कारण से दिस विल सिंपली रिड्यूस इनटू a माइनस b, तो a माइनस b विल बी टेन इनवर्स ऑफ लेकिन a कौन था टेन इनवर्स x, b कौन था टेन इनवर्स ऑफ y, दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y, सॉरी tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, ये फॉर्मूला आता है ठीक है। क्यों? क्योंकि a minus b minus pi by 2 से pi by 2 आ रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा, पहले कितने फॉर्मूले आए थे दो, क्योंकि दो फॉर्मूले क्यों, क्योंकि 0 से pi आ रहा था और 0 से pi में दो लाइन बनती है अलग अलग, तो एक जगह एक लाइन की इक्वेशन, एक लाइन दूसरी की इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में टेन वर्स टेन एक्स में एक ही लाइन बनती है, तो इस कारण से वो टेन वर्स और टेन एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के लिए एक्स हो जाता है, तो इस कारण से सिंपल टेन वर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। माइनस टेन वर्स वाई, तो यहाँ कितने फॉर्मूले बन रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला बन रहा है,
ठीक है, द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास आते हैं, कौन से, टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई इक्वल्स टू टेन वर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ठीक है, और दूसरा आता है टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई दैट इज इक्वल्स टू टेन वर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन वन एंड पाई प्लस टेन वर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज क्या होगा इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, ये वो फॉर्मूला वहां पे दो फॉर्मूले यहाँ पे एक कितने हो गए तीन, अब लेकिन अगर मैं एक्स और वाई को कुछ भी रखता है एक्स और वाई को कोई भी नेचुरल नंबर रखता तो छह फॉर्मूले आते हैं, छह के कितने कर दिए मैंने तीन, याद रखने का तरीका ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे ही है और टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई में शक्तिपुर वाला याद रखना पाई का कब ऐड होता है कब ऐड नहीं होता है, तो बस ये तीन फॉर्मूलों से आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर, तो एक टाइप में अब जितने भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे उन सबको हम लोग इसी तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली दूसरी चीज जो यहाँ पे बचती है वो क्या है, थ्योरेटिकली द सेकंड थिंग व्हिच इज लेफ्ट इज सिंपलीफिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, ठीक है, कभी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो उनको सिंप्लीफाई करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, देख रहा हूँ ये गंदा सा एक्सप्रेशन बड़ा सा दिख रहा है, मुझे इसको छोटा सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, हाउ टू सिंप्लीफाई दैट थिंग, तो देखो ये बेसिकली क्या है, जितना पढ़ाई उन सबका निचोड़ है, उन सबका अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है, कैसे टेन वर्स और टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर से सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है, इसका ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ कैसा होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, ये देख के कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, ये एक्सप्रेशन देख के कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, ए प्लस बी का होल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देख के कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, टेन ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री का साइन टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, याद है, साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा वॉज टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता था, ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक्स जो है बिल्कुल, तो ये हिंट आपको एक्सप्रेशन देख के, तो ट्रिग्नोमेट्री कितने अच्छे से पढ़ी है पहले वो यहाँ काम आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एक्स को, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल पुट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, बेसिकली एक्स को टेन थीटा भी नहीं पुट करते, मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ, मैं इसको और टेक्निकली और चीज सही क्या होगी वो लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टेन इनवर्स एक्स को थीटा रखते हैं, तो अगर मैं टेन वर्स एक्स को थीटा रखता हूँ तो बताओ थीटा का रेंज क्या हुआ, ओपन माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन थीटा, और थीटा कहाँ लाई कर रहा है वो हमें पता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan theta ठीक है, that will be sin inverse, अब बताओ tan theta किसके बराबर है x, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ ये वाला expression किसके बराबर हो गया sin 2 theta, अब बताओ sin inverse और sin 2 theta क्या आएगा, जब पहले inverse है और बाद में sin है तो ये हर जगह 2 theta नहीं देगा, थीटा का रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो बताओ टू थीटा का रेंज क्या होगा, टू थीटा का रेंज जो होगा वो माइनस पाई प्लस पाई होगा पाई, ठीक है, तो अब इसका मतलब मुझे इसका ग्राफ देखना पड़ेगा इन द रेंज ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अगर आप ध्यान करो ये ग्राफ होता था, ये जीरो ये पाई ये माइनस पाई, ये होता था माइनस पाई बाय टू, ये होता था पाई बाय टू, तो ये देख रहे हो कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के लिए क्या आता था वाई इक्वल टू एक्स आता था, पाई बाय टू से लेके पाई के लिए
पाई माइनस एक्स आता था और इसके लिए माइनस पाई माइनस एक्स आता था। तो इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है साइन वर्स ऑफ साइन टू थीटा, साइन वर्स ऑफ साइन टू थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस टू थीटा और टू थीटा और पाई माइनस टू थीटा। डेफिनेशन ये आ रही, एक ये आ रही है वाई इक्वल्स टू एक्स और एक पाई माइनस एक्स, ठीक है। कब आएगा? जब टू थीटा का रेंज क्या होगा? टू थीटा का रेंज ये तब आएगा जब माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू होगा। फिर ये माइनस पाई बाय टू से लेके कहां तक ऊपर रखते हैं आप, माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू के बीच, और यहां पे पाई बाय टू से लेके कहां तक, पाई के लिए, ठीक है। अब लेकिन देखो ये टू थीटा का रेंज है तो थीटा का रेंज क्या होगा? माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर लेके प्लस पाई बाय फोर, और पाई बाय टू से पाई का हो जाएगा कितना, पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू, ठीक है। अगर थीटा का रेंज ये रहेगा तो एक्स जो किसके बराबर था, टेन थीटा, उसका रेंज क्या होगा? तो इसके लिए आप थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो टेन का ग्राफ देख सकते हैं। टेन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो थीटा का रेंज माइनस पाई बाय टू, तो ये माइनस पाई बाय टू होगा, ये माइनस पाई बाय फोर होगा, ये प्लस पाई बाय फोर होगा और ये पाई बाय टू। अब देखो यहां से लेके यहां तक के लिए माइनस पाई फोर वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो टेन थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आएगी, तो एक्स का रेंज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। यहां पे माइनस पाई बाय फोर से लेके प्लस पाई बाय फोर के लिए टेन की वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस वन से वन, और पाई बाय फोर से पाई बाय टू के लिए इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू वन से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। ये आपके माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, ये वन से इन्फिनिटी और ये माइनस वन से वन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी तीन डेफिनेशन आई, क्या, माइनस पाई माइनस टू, थीटा कौन था, हमने टेन वर्स थीटा था टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी डेफिनेशन आएगी क्या, टू टेन इनवर्स एक्स, और तीसरी डेफिनेशन आएगी क्या, पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। लेकिन ये कब, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन, ये कब, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, और ये कब, जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो ये आपका रिडक्शन आया, समझ में सबको, ये देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। किसी को यहाँ पे कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर हाँ जी बोले। सर इसमें अब x की रेंज में कहाँ पे क्लोज्ड और कहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे? आप चेक कर सकते हो बेटा, देखो अगर आपको दिक्कत है तो माइनस वन पे अलग से बात कर लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये माइनस वन, माइनस वन पे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय फोर है ना। तो इस कारण से इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय फोर, तो माइनस पाई माइनस एक्स, तो इसका जो आएगा टेन इनवर्स एक्स वो आएगा माइनस पाई, यहां रख दो माइनस पाई बाय फोर, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय टू हो जाएगा। हाँ। कितना आएगा, माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस पाई रखोगे तो क्या आएगा, ये भी आएगा माइनस पाई बाय टू, मतलब यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दोनों में इंक्लूड रहेगा। इट्स योर चॉइस कि आप कहाँ रखते हो कहाँ नहीं रखते हो,
है। हाँ लेकिन मान लो ऐसे रखने पे आपको ऐसा हुआ कि यहाँ पे इंक्लूड हो रहा था यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा था, तो फिर आप एक जगह क्लोज रखो एक जगह ओपन रखो, ठीक है। हाँ भाई किसी और को डाउट है, दो लोगों ने हाथ रेस करे हैं, बताएं चैप्टर कौन सा है। हाँ बोलो। कुछ नहीं गलत। रुचा, रुचा ने हैंड रेस करा है, अभिजीत ने करा था, अभिजीत का तो हो गया। रुचा कोई डाउट है? नहीं सर गलत। सब बिल्कुल क्लियर है ढंग से? देखो क्वेश्चन जो आते हैं वो यही आते हैं, ये जो अभी हमने सॉल्व करा ना इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक और देता हूँ, ठीक है, सेम, ठीक है। मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं आपको जो अभी साइन इनवर्स का था, साइन इनवर्स में ही, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है इसको। साइन वर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसे सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ, अब देखो इसके दो आंसर आ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइन वर्स एक्स भी और इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर, देखो इसको देख के कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? साइन टू थीटा वाला याद आ रहा है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will substitute साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो एक्स क्या हो गया साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का रेंज क्या होगा, थीटा विल बी एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, है ना, ये थीटा का रेंज हो गया, ठीक है। अच्छा अब चलो ये सब्स्टिट्यूशन रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा, बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब साइन साइन 2 थीटा क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो 2 थीटा जो होगा माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में होगा। अब इस कारण से मुझे साइन वर्स और साइन से ग्राफ देखना पड़ेगा बिटवीन माइनस पाई एंड प्लस पाई, ऐसा ग्राफ आता है, ये जीरो ये पाई बाय टू, माइनस पाई प्लस पाई होगा, इस तरह का ग्राफ बनता था किसका, साइन साइन वर्स ऑफ साइन एक्स का। तो माइनस पाई से पाई के बीच में अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे तीन लाइनें बन रही हैं, एक लाइन बन रही है ये, एक लाइन बन रही है ये और एक लाइन बन रही है ये, ठीक है। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या आती है, वाई इक्वल्स टू एक्स, ये वाली लाइन की इक्वेशन आती है पाई माइनस एक्स और ये कितनी आती है माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है। तो इसका मतलब साइन वर्स और साइन टू थीटा की तीन डेफिनेशन आएंगी, क्या आएंगी, एक्स जगह है टू थीटा तो माइनस टू थीटा माइनस पाई, या फिर टू थीटा या फिर पाई माइनस टू थीटा, डिपेंडिंग ऑन कि टू थीटा का रेंज क्या था। इस वाले केस में टू थीटा का रेंज जो है, ठीक है, क्योंकि देखिए एक्स जगह क्या आया टू थीटा, तो टू थीटा का रेंज क्या होना चाहिए, माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू, ठीक है, ये टू थीटा का इंटरवल होना चाहिए। तो कौन से केस के लिए, इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए टू थीटा का इंटरवल क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू, पाई माइनस टू थीटा ये कब, ये तब होगा जब टू थीटा पाई बाय टू से पाई होगा,
ठीक है, पाई बाय टू से पाई, तो थीटा का रेंज माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय फोर, तो यहां पे माइनस पाई बाय फोर से लेके प्लस पाई बाय फोर, और यहां पे पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू, ठीक है, ये आया। लेकिन हमारा वेरिएबल था x, तो x देखो थीटा का रेंज हमें पता है, और थीटा यानी कि x कौन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का ग्राफ देखो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में, याद है, साइन थीटा का ग्राफ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में कुछ ऐसा आएगा, ये था माइनस पाई बाय टू, ठीक है, और ये था आपका पाई बाय टू होगा। अब देखो हमारे ब्रेकेज कहां पे आ रहे हैं, माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन बाय रूट टू, पाई बाय फोर वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय रूट टू। तो देखो माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय फोर मतलब ये वाला इंटरवल का रेंज जो आ रहा है कि x की वैल्यू माइनस रूट टू से छोटी होनी चाहिए, x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन बाय रूट टू। यहाँ पे x शुड लाई बिटवीन माइनस वन बाय रूट टू टू वन बाय रूट टू, और यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन बाय रूट टू, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा विल बी माइनस टू साइन इनवर्स x माइनस पाई टू साइन इनवर्स x और पाई माइनस टू साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू माइनस वन बाय रूट टू से लेके प्लस वन बाय रूट टू, ठीक है, और यहां पे x, सॉरी ये वाला गलत बन गया, यार x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन बाय रूट टू और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाय रूट टू, ये आता है। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ साइन वर्स साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन वर्स x। अब चाहते तो यहाँ पे x को cos थीटा भी रख सकते थे, उसमें रेंज जीरो से पाई हो जाता तो cos इनवर्स ऑफ cos x बनता, तो उसके हिसाब से हम लोग करते, लेकिन इन आइदर वे आंसर आपके ये आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ साइन वर्स ऑफ 2x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, क्लियर सबको, ये क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके, चलो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अगला, ट्राई करके देखो उसे बताओ। हाँ सर, साइन वर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ साइन वर्स x, बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है, टेल मी द आंसर।